हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू दिया क्रिश वर्ल्ड। जैसा कि मैंने बताया था, मैं अपने पूरे सारे बेबी बॉय के रिपोर्ट्स एक ही बार में एक वीडियो बना दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, मेरा पहला USG TVS एल स्कैन में देखिए बेबी बॉय का भी हार्ट रेट 186 हो सकता है। देखिए यहाँ पे फिटल हार्ट रेट है 186 बीट्स पर मिनट यहाँ पे दिखाया है देखिए, और CRL 2.4 सेंटीमीटर्स करस्पॉन्डिंग टू 9 वीक्स 1 डे। तो ये देखिए यॉर्क आर साइज़ है 4.7, फिटल पोल सीन, तो फिटल दिखा गया है। और देखिए सर्विकल लेंथ के 4.5 सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ देखिए फीटल हार्ट रेट, जैसे कि मैंने बताया, लड़का लड़की में हम ये बता नहीं सकते, किसी फीटल का हार्ट रेट ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है। और इसमें देखिए ये थर्ड मंथ का स्कैन है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए फीटल प्रेजेंट ब्रीच मोड में है, तो ये पाँव नीचे की तरफ करा हुआ है, तो ये धीरे धीरे सर नीचे की ओर आ जाएगा और पाँव ऊपर की ओर चले जाएगा। तो ये थर्ड मंथ स्कैन है। प्लेसेंटा पोजीशन जैसा मैंने बताया था, पोस्टेरियर अपर मिड सेगमेंट है ना, सेगमेंट है, तो इसमें भी है। देखिए ये फीटल हार्ट रेट यहाँ कम हो गया है, 162 BP पर मिनट है। तो ये क्या, तो एक्सपेक्ट डेट इसमें देखिए 28/10/2022 को करवाया था दिया है। और ये देखिए यहाँ प्लेजेंटा के पोस्टेरियर अपर मिड सेगमेंटेशन एंड ग्रेड 1 इन वेटरनिटी है। और यहाँ फीटल हार्ट के की राइट 150 BP पर मिनट, तो उससे भी कम हो गया है यहाँ। तो यहाँ कॉर्ड देखिए 3 विजिबल हुआ है और बाकी ये नॉर्मल मैंने जैसे बताया था। और यहाँ देखिए डेट चेंज हो गया, 31st को डिलीवरी डेट दिया, अक्टूबर 31st। और एस्टिमेटेड फीटल वेट के 400 ग्राम का था बेबी 5th मंथ में, तो 5th मंथ 7th, 8th, 9th मंथ में ही बेबी पड़ता है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर नॉर्मल वेट से कम होगा तो डॉक्टर आपको बता ही देंगे, तो उसमें घबराने वाली कोई बात भी नहीं है। और ये देखिए ये डोपलर टेस्ट है, ये मैंने 7th मंथ में करवाया था। तो यहाँ देखिए फीटल हार्ट रेट 140 BP पर मिनट है। देखिए प्लेजेंटा पोस्टेरियर अपर मिड सेगमेंटन सेगमेंट में है, देखिए ग्रेड 1 है, तो लिक्विड जो है वो 15 सेंटीमीटर्स। तो फीटल हार्ट रेट 4 चैम्बर्स, ये पूरा देखिए नॉर्मल सब नॉर्मल ही आया है। तो इसमें यहाँ देखिए 27/10/2022 को डेट फिर चेंज हुआ है, 3 डेज बिफोर दे दिया है। तो यहाँ एस्टिमेटेड वेट के 1378 ग्राम्स, लगभग 1.5 kg का बेबी हो गया था 7th मंथ तक। तो आप देख सकते हैं 5th से 2 महीने में 1 kg का बेबी वेट बढ़ गया था। और यहाँ देखिए ये मैंने 8th मंथ में करवाया था, तो इसमें प्लेजेंटा इस लेफ्ट लेटरल वॉल में है, तो बैक साइड में लेफ्ट लेटरल वॉल में रखा है, तो एमिनोटिक फ्लूइड जो है नॉर्मली है, फीटल मोमेंट्स दिखा गया है। और फीटल हार्ट रेट यहाँ देखिए 140 BP पर मिनट, तो पिछले बार 140, इसमें भी 140 ही है। देखिए फ्रेंड, मैंने जैसे बताया लास्ट मोमेंट में मेरा 140 कांस्टेंट रहा है, मगर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा था, आप लोगों से प्रीवियस वीडियोस में मैंने जैसे बताया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट मतलब जैसे कि मैं डिलीवरी के लिए प्रिपेयर भी नहीं थी, हम लोग ने सोचा भी नहीं था। तो 14th को डॉक्टर ने, मैं 14th को गई थी डॉक्टर के पास, तो 14th को उन्होंने देखी है, डेट 14th को उन्होंने ये स्कैन, ग्रोथ स्कैन विद डॉपलर करवाने के लिए कहा था। तो हम लोग शाम को जाके ये करवा लिए थे, तो वो मुझे मंडे आके मिलने के लिए बताए थे। तो यहाँ देखिए प्लेजेंटा पोस्टर अपर यूट्रिन सेगमेंट ग्रेड 2-3 मैटर्निटी हो गया है। तो यहाँ देखिए फ्लूइड भी नॉर्मल था, मगर थोड़ा कम हुआ था। यहाँ देखिए फीटल हार्ट रेट क्या है कि 142 BP पर मिनट। यहाँ देखिए एज मैंने जब करवाया था, मेरा 37 वीक्स 2 डेज का था, तो एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट यहाँ देखिए November 2, 11/22 को उन्होंने दिया था। तो फीटल वेट तब तक लगभग 3.5 किलो का मेरा बेबी हो गया था फ्रेंड्स। तो हम लोग ने वहाँ से हम लोग आ गए,
जैसे कि मैंने रिपोर्ट्स में पूरे दिखा दिए आपको, ये बेबी बॉय के रिपोर्ट्स हैं। तो रिसेंटली मैंने डिलीवरी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के साथ बताया, आप लोगों को बताया है, ये क्रिश के रिपोर्ट्स हैं सारे। तो देख सकते हैं जैसे कि हार्ट रेट में पूरे चेंजेस आए हैं, मगर प्लेसेंटा का पोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, एक ही प्लेसेंटा का पोजिशन मेरा फर्स्ट से लास्ट तक एक ही था इसमें। बाकी हार्ट रेट में आप देख सकते हैं पहले बहुत ज़्यादा रहता था, लास्ट में कम हो गया है, और डिलीवरी डेट ये सब में चेंजेस बहुत सारे आए। तो मेरे बेटी दिया के जब डिलीवरी में डॉक्टर ने जो फर्स्ट दिया था, जैसे कि अक्टूबर 13 को वो हुई थी, तो मेरा फर्स्ट जो डेट दिया था, बीच में बहुत सारे डेट चेंज हुआ, मगर वो डिलीवरी तो अक्टूबर 13 को ही हुई थी। मगर बेबी बॉय के जो वैसा नहीं था, वो 15 डेज बिफोर पैदा हो गया था, तो इसमें उसमें थोड़ा चेंजेस हैं। और बाकी जैसे कि मैंने हार्ट रेट में, हार्ट रेट आप कम या ज़्यादा हुई हो, ज़्यादा रहे तो बेबी बॉय होगा, गर्ल होगा, वैसा कुछ मत लगा लीजिए फ्रेंड्स, आप ऐसा टेंशन मत लगा लीजिए। आपको अगर बॉय चाहिए तो मन में एक विश रखिए, मुझे लगता है आपका विश पूरा ही पूरा होगा और बॉय ही होगा, जिसको गर्ल चाहिए उसको गर्ल ही होगा। और एक फ्रेंड्स, जो भी हो, बच्चे तो भगवान के देन है, किसी के घर में वो उतना भी खुशी नहीं मिलता है। थोड़े लोग बहुत जने ऐसे भी हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, आप सब देखते हैं आपके सराउंडिंग्स में भी होंगे। और मेरे घर के पास भी एक भाभी है, वो बहुत, उनका शादी को समय अराउंड 9-10 ईयर्स हो गया, उनको बच्चा नहीं है, तो वो भगवान से हमेशा प्रे करती है, बेटी हो या बेटा हो एक दे दे भगवान। तो वैसे बहुत जने रहते हैं, तो आप वैसा मत लगा लीजिए, मगर हर किसी को एक विश रखना अच्छी बात है, और जो प्रेग्नेंट रहते हैं उनको जानने की ख्वाहिश भी बहुत रहता है। तो उन लोगों के लिए तो मैं बोलती हूँ, आप चाइनीज़ कैलेंडर को फॉलो करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ और जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, कंसीव जो जिस मंथ आप प्रेग्नेंट हुई है वो डेट, दोनों से आप चाइनीज़ कैलेंडर से पता करवा ले सकते हैं, वो 99% सच निकलता है ज़्यादातर, मगर थर्ड मंथ के बाद में ही करिए वो। और जैसे कि आप जान सकते हैं 99%, मेरे केस में तो 100% वो करेक्ट है। और एक पेट का आकार जैसे, वो 7 मंथ से ही हम बता सकते हैं, उससे पहले बताना मुश्किल रहता है। जैसे 6 मंथ्स लास्ट हो गया तो आपका पेट नीचे की ओर लटक जाएगा, नीचे की ओर नीचे की ओर आ जाएगा, तो वो लड़का ज़्यादातर सिम्टम्स माना जाता है, ये भी एक मेरे केस में सच है। और एक नाभि के ऊपर से नीचे तक जो लाइन आता है, तो वो भी मेरे केस में सच है। ऐसे 3-4 चीज़ें मेरे केस में तो मुझे सच लगा है। और एक खान पीन में, जैसे आपको नमकीन खाने का मन कर रहा है और बेबी बोलते हैं ये सब पुराने बातें हैं, मगर मेरे केस में सच ही हैं। जैसे कि आपको नमकीन खाने का, ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है, और जैसे कि चटपटा चाट हो, नहीं तो पिज़्ज़ा बिरयानी, ये सब बहुत खाने का मन करता था। ये हर किसी के केस में सेम हो ऐसा मैं तो नहीं कहती हूँ, मगर मेरे केस में ये सब नोटिस मैंने किया है, तो इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। और एक थिंग क्या है ना, आइसक्रीम, कभी कभार आइसक्रीम अच्छा लगता था, और मगर मेरे बेटी के जब मुझे ये सब अच्छे नहीं लगते थे, मुझे खाली आइसक्रीम ये सब अच्छा लगता था, उतना नमकीन खाने का भी मन नहीं करता था, लास्ट तक वही रहता था। और मैंने जैसे बताया था, किसी किसी को बेबी बॉय में वॉमिटिंग्स होता है, किसी किसी को बेबी गर्ल में, वैसा कुछ नहीं है। आप अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो भी आपके सिम्टम्स होंगे, सेकेंड प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट 50-60% सेम होगा, बाकी जो 40-50% अलग होगा वो आप ही नोटिस कर सकते हैं जो सेकेंड टाइम प्रेगनेंट है। जो फर्स्ट टाइम है उनको तो हर चीज़ नया नया ही उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है जानने की क्या होगा क्या नहीं, और एक हर चीज़ सीखने का नया होगा ना सब। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में जो सेकेंड प्रेगनेंट है आपको वो हर चीज़ पता ही चलता है, क्योंकि फर्स्ट में आप हर चीज़ फेस करे होंगे ना। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्थी प्रेगनेंसी। जो भी प्रेग्नेंट है आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप फिट रहेंगे, आप अगर हेल्दी रहेंगे तो बच्चा भी हेल्दी होगा और बहुत एक्टिव भी होगा, और आप भी खुश रहिए तो बच्चा भी बहुत खुश इसे आएगा, और एक हेल्दी ही बच्चा पैदा होगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।